मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जी हाँ मित्रों, 16 दिसंबर से एक महीने तक खरमास की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को पता ही होगा कि खरमास में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम बंद रहते हैं। लेकिन 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 बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार 150 सालों के इतिहास के बाद खरमास में होगा 5 बड़े ग्रहों का महागोचर, 5 राशियों की चमक उठेगी किस्मत, जाग जाएगा सोया हुआ भाग्य, मिलेगा धन का लाभ। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यानी कि खरमास के इस एक महीने के दौरान 5 सबसे बड़े ग्रह महागोचर करने जा रहे हैं। 150 सालों के इतिहास के बाद इस बार दिसंबर में पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है, कई राशियों की किस्मत बदलने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां रहेगी। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, 16 दिसंबर से ही खरमास की शुरुआत हो चुकी है जो कि पूरे एक साल बाद यानी कि 14 जनवरी तक रहेगी और आपको यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि इस एक महीने के दौरान खरमास में 5 बड़े ग्रह जिसमें सूर्य देव शुक्र देव मंगल देव बुध देव और देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदल रहे हैं। और आप सभी को यह पता ही होगा कि जब भी कोई ग्रह गोचर करते हैं या अपनी चाल में बदलाव करते हैं ना तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर पड़ता है। ऐसे में खरमास के ही इस एक महीने के दौरान 5 राशियों का जीवन एकदम से सौभाग्यशाली होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं खरमास के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित अरुणा अखिलेश लोकेश लेखराज लीलावती लाला राम चौथमल चैन सिंह, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, खरमास के इस एक महीने के दौरान 16 जनवरी के दिन तो भगवान सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया था, 25 दिसंबर के दिन शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही 27 दिसंबर के दिन मंगल देव धनु राशि में आ जाएंगे, 28 दिसंबर को फिर से बुध देव वृश्चिक राशि में रहेंगे जहां पर वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र की युति बनेगी और सबसे महत्वपूर्ण 31 दिसंबर के दिन देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल बदलकर सीधी चाल में आएंगे। 7 जनवरी के दिन फिर से भगवान बुध देव का गोचर होगा। इस तरह से पूरे एक महीने के दौरान 5 बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे जिससे मेष राशि वाले लोगों के लिए अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो फिर से पूर्ण होंगे और भगवान सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। व्यापार या नौकरी दोनों स्थिति में आपको धन का लाभ होगा, आप अपने काम और कारोबार का विस्तार कर पाएंगे। इस एक महीने के दौरान आप पूरे साल 2023 में 12 महीनों में जो प्रॉफिट हासिल नहीं किया है वो आप इस एक महीने में टारगेट पूरा कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही मेष राशि वाले लोगों के लिए नई नई नौकरी के ऑफर आएंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। भगवान सूर्य देव के गोचर के साथ ही मेष राशि वाले लोगों की किस्मत भी सूर्य के ही चमक उठेगी, आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। बहुत दिनों से अगर आपका कहीं पर भी पैसा फंसा हुआ है या अटका हुआ है या अगर कोई भी बिल जो आपका पेंडिंग चल रहा है पार्टी ने अगर आपके पैसे रोक रखे हैं, इस एक महीने के दौरान उत्तम योग बन रहा है कि आपका बिल क्लियर हो जाए और आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्रहों की शुभ स्थिति आप लोगों के पक्ष में होने से अटके हुए सभी काम पूर्ण होंगे। जो व्यक्ति लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को नौकरी की प्राप्ति होगी। जिस काम को आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। युवा लोगों को नई नौकरी मिल सकती है और साथ ही जो भी कुंवारे हैं सिंगल है और अपने लिए योग्य पार्टनर की तलाश कर रहे हैं ना तो खरमास के दौरान विवाह तो नहीं होगा लेकिन विवाह के लिए आपकी बातचीत चलना शुरू होगी। और जैसे ही खरमास खत्म होगा मकर संक्रांति के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों का विवाह का योग भी निश्चित होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और खरमास में आप अपने व्यापार में काफी अच्छा धन का लाभ कमा सकते हैं।
चलिए जान लेते हैं खर मास के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार कुंडली के अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है। यह साल तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों, आज दिन तक जो भी व्यक्ति अमीर बने हैं, जिन्होंने भी जीवन में सफलता प्राप्त करी है, व्यापार में उन्नति तक ऊंचाई तक गए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपको धन का लाभ नहीं होता है, कमाते आप बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, सारा पैसा पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं खर मास के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए खरमास का जो यह समय है यह बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। एक तो भगवान सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के पांचवें स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं, जिससे सिंह राशि वाले लोगों को काम कारोबार में बहुत ही अच्छी सफलता मिल सकती है, संतान की तरफ से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, और साथ ही अगर आप बेरोजगार है और लंबे समय से आप किसी भी अच्छी नौकरी की सरकारी नौकरी की या ढंग की जगह पर आप सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। इस एक महीने के दौरान राजनीति में एक्टिव लोगों को भी सफलता मिल सकती है, कोई भी बड़ा पद आपको मिल सकता है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए जितना आप प्रयास करेंगे ना, इस खरमास में आपको उतना ही लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापारी है उनको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी, व्यापार में धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही धन की बचत भी होगी और आप बहुत ही अच्छा पैसा जो है वो इस खरमास में ही बचा पाएंगे। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि खरमास के समय आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल को पूजा के समय जल जरूर दें और संध्या काल में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं वो सभी दूर होगी और आपके कष्टों का निवारण होगा। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। खरमास के बाद आप लोगों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी दिक्कतें चल रही थी तो वो दूर होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं खरमास के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ड और बे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी खरमास में समय जो है
एक महीने का आपके लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। एक तो भगवान सूर्यदेव आपकी राशि के लग्न के स्थान पर आ चुके हैं, और जब भी किसी राशि में सूर्यदेव लग्न पर होते हैं ना, उस राशि वाले लोगों को अपार धन में सफलता प्राप्त होती है। जो लोग सरकारी नौकरी प्रशासन की लाइन में हैं, या जो व्यक्ति धातु से संबंधित जैसे कि सोना चांदी पीतल तांबा लोहे बर्तन ज्वेलरी इनमें कोई भी काम करते हैं ना, उन लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी योग अच्छा है, किसी उच्च पद पर आप जा सकते हैं। आपका भाग्य जो है ना वो लग्न में होगा, इसलिए आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से धनु राशि वाले लोगों के जो भी रुके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगे। धन कमाने के नए नए अवसर नए नए योग बनेंगे। जो व्यक्ति प्रेम जीवन में लव लाइफ में अगर कोई भी समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन समस्याओं का अब अंत होगा। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत बनेगा और धन लाभ होने की संभावना है। साथ ही धनु राशि वाले लोगों को लेन देन में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। खर मास के महीने में ना तो आप किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। बाकी आपके घर में कोई भी नई चीज आ सकती है, फिर चाहे आपका नया मकान हो, नई दुकान हो, नई गाड़ी हो या नई साइकिल मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर इस एक महीने के दौरान आपके घर में कोई भी बड़ी चीज आ सकती है। व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी धन का लाभ होगा, और साथ ही परिवार में सभी दोस्त आपका सपोर्ट करेंगे। कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। चलिए जान लेते हैं खरमास के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए खरमास का जो एक महीने का समय है ना, ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। एक तो भगवान सूर्यदेव आपकी राशि के तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति के गोचर से आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में आपको पूर्ण रूप से अपने भाई बहन अपने पिता श्री माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और साथ ही करियर और बिजनेस के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अच्छा और शुभ रहेगा। जो विद्यार्थी है छात्र है उनके पढ़ाई लिखाई में सुधार होगा। लंबे समय से अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में असफलताओं का सामना कर रहे थे ना, तो अब धीरे धीरे आपको फायदा मिलेगा। बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी या किसी भी अच्छी कंपनी में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको बड़ा ही फायदा मिलेगा। आपके शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही कार्य क्षेत्र में सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं खरमास के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी खरमास के बाद उनको बहुत ही अच्छा अपनी मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी के लिए लंबे समय से आप जो भी प्रयास कर रहे थे, अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हो या दोस्तों आप बेरोजगार हो और किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो ना, तो जनवरी की शुरुआत में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए नए नए अवसर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं, आपको कोई भी पुरस्कार मिल सकता है, प्रमोशन के लिए आपका नाम आगे जा सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वरिष्ठ अधिकारी और बॉस जो है वो आपके काम से संतुष्ट होंगे, काम कारोबार में आपको लाभ मिलेगा, आपका वेतन बढ़ेगा। और साथ ही कन्या राशि वाले लोगों के लिए 5 बड़े ग्रहों का गोचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्नति लेकर आएगा, आपका प्रमोशन होगा, वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकारी लेन देन या कारोबार में लगे लोगों को फायदा होगा। पिछले कई समय से अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे थे तो उसके परिणाम में अब आपको सफलता मिलेगी, समाज में आपका मान सम्मान रहेगा, नौकरी कारोबार में कई तरह की सफलताएं हासिल होगी, और साथ ही ऑफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जो व्यक्ति व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, चाहे स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, उनको व्यापार में धन का लाभ होगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा, और साथ ही नए साल 2024 में आपकी उन्नति के सारे द्वार खुल जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।